चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम रहने वाले। धमतरी जिले के कुरूद जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, सीएम भूपेश भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कुरूद विधानसभा के हंचलपुर पहुंचेंगे, इसके साथ ही सीएम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भ्रमण करेंगे। गोबर पेंट उद्योग और गतिविधियों का अवलोकन किया जाएगा। स्व सहायता समूह के सदस्यों से भी चर्चा करेंगे। सेमरा में प्राचीन शिव मंदिर में पूजन अर्चना करेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। भेंट मुलाकात में शासन की योजनाओं का भी इस दौरान वो फीडबैक लेंगे। तो हर बार की तरह जिस तरह वो फीडबैक लेते नजर आते हैं भेंट मुलाकात के दौरान, जनता की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द जो है जनता की समस्याएं उसका निराकरण किया जाए। और उसी के तहत आज एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल धमतरी जिले के कुरूद जाएंगे, सीएम भूपेश भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कुरूद विधानसभा के हंचलपुर पहुंचेंगे सीएम, इसके साथ ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भी भ्रमण करेंगे। गोबर पेंट उद्योग और गतिविधियों का भी अवलोकन किया जाएगा। स्व सहायता समूह के सदस्यों से भी चर्चा करेंगे। सेमरा में प्राचीन शिव मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करेंगे। हर बार हम देखते हैं जिस तरह से दौरा रहता है सीएम भूपेश बघेल का, सीएम हर बार काफ़ी धार्मिक भी हैं और इसके चलते वो मंदिर में जाकर पूजन अर्चना लगातार करते रहते हैं। और इसी के तहत जब वो सेमरा पहुंचेंगे, जो प्राचीन शिव मंदिर वहां पर मौजूद है उसके पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता करिश्मा का। करिश्मा, सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, देखा जा सकता है अमृता की लगातार सीएम का दौरा और भेंट मुलाकात का सिलसिला है वो चल रहा है। तो ऐसे में आज की अगर मैं बात करूँ तो आज का दौरा काफी खास रहने वाला है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में सीएम कोई भी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। तो देखा जा रहा है कि वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेंट मुलाकात के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं, उनसे मिलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसका सीधा असर चुनाव पर होने वाला है। तो आज का जो दौरा रहने वाला है सीएम का, वो धमतरी जिले के कुरूद में रहने वाला है। सबसे पहले वो हंचलपुर में देखा जा सकता है, वहाँ पर रूरल इंडस्ट्रियल प्लांट है, वहाँ पर जाने वाले, वहाँ पर शामिल होने वाले, वहाँ पर देखने वाले, भ्रमण करने वाले कि किस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है। उसके बाद जो है स्व सहायता समूह के भी कई सारे लोगों से सीएम मिलने वाले। जैसे कि हम जानते हैं स्व सहायता समूह में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिलाएं जुड़ती हैं, क्योंकि ये काफी छोटा समूह होता है और ये काफी लाभदायक होता है गांव के ग्रामीण लोगों के लिए, तो उनके लोगों से मिलने वाले हैं। इसके बाद जो है देखा जा सकता है कि गोबर उद्योग प्लांट का जो है अवलोकन भी करने वाले मुख्यमंत्री। तो लगातार ये जो दौरा है जो कुरूद की ओर है, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है, वहां पर इनका कार्यक्रम जो है सबसे ज्यादा रहने वाला है। इसके बाद सेमरा में देखा जा सकता है कि प्राचीन शिव मंदिर है, वहां पर जो है सीएम पहुंचने वाले हैं और शिव जी की अर्चना पूजा करने वाले हैं। इसके बाद जो है सेमरा में ही भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, जहां पर वो ग्रामीण लोगों से मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं और शासन की योजनाओं की जितनी भी फीडबैक है वो वहां पर लेने वाले। तो देखा जा सकता है कि सीएम जितनी भी योजनाएं हैं उनकी फीडबैक लगातार लेते रहते हैं और जिन लोगों को जो जो योजनाओं की जरूरत होती है उन्हें उस योजनाओं से तुरंत सीएम जो है भेंट मुलाकात में जोड़ते हैं। इसके बाद जो है सर्किट हाउस में भी देखा जा सकता है कि सीएम अन्य जितने भी प्रतिनिधि मंडलों के लोग हैं उनसे भी मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले। तो ये जो दौरा है ये कुरूद की ओर रहने वाला है धमतरी जिला में और कई सारे लोगों से मिलने वाले हैं, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। रायपुर की चारों विधानसभा जो है भेंट मुलाकात का कार्यक्रम सीएम ने पूरा कर दिया है, जिस पर काफी ज्यादा तंज भी कसा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि ये जो भेंट मुलाकात का सिलसिला होता है वो स्क्रिप्टेड होता है और कई सारी बातें भी उन्होंने कही कि काले कपड़े पहनकर लोग वहां पर नहीं जा सकते और कई सारे तंज जो है जो बीजेपी द्वारा कसी गए, लेकिन सीएम इससे बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो ग्रामीण इलाकों में जा जाकर हम लोगों से फीडबैक नहीं लेते, योजनाओं के बारे में नहीं पूछते। तो ये सारी चीजें जो है इनकी भेंट मुलाकात से शुरू हो गई है। तो देखा ये जो बौखलाहट है अमृता वो देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कि चुनाव काफी ज्यादा
करीब है और दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है चुनाव। बिल्कुल करीब चुनावी साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो इसी तरह चलता रहेगा और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगा। और हम देखते हैं किस तरह से सीएम बघेल जो हैं बीजेपी के हर तंज का, हर सवाल का बखूबी जवाब भी देते हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय नेता के सीएम के तौर पर वो उभर कर आ रहे हैं, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खलबली मची। और इसी के तहत आज एक बार फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे सीएम बघेल और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। जनता की तमाम परेशानियों का निराकरण इस दौरान किया जाता है। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का जो कि रायपुर से ही मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाएं एक बार फिर शुरू हो चुकी हैं। दक्षिण से आ रही हवाओं से तापमान प्रभावित हुआ है। बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है। आज प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश भी हो सकती है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में परिवर्तन की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, मौसम एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। मौसम में लगातार जो है बदलाव छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। ये जो मौसम का मिजाज है काफी ज्यादा रंगीला नजर आ रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। बीते दिनों हम देखते हैं कि चुभने वाली गर्मी पड़ रही है, फिर कुछ दिनों बाद देखा जा रहा है कि बारिश हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है सबसे ज्यादा आम जनता को प्रभावित करती है। अभी जो है रायपुर राजधानी में तेज धूप निकली हुई है और कह सकते हैं 25-34 डिग्री सेल्सियस जो है अभी चल रहा है तापमान, जो कि कम ही है अगर बीते दिनों के मुकाबले देखा जाए तो। जैसा कि जानते हैं 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है पारा चढ़ता है, लेकिन आज जो है थोड़ा उससे कम है, लेकिन धूप की जो तीव्रता देखी जा रही है वो अभी तक ज्यादा ही है। और अगर अन्य जिलों की बात करूँ तो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी कल जारी किया था 8 घंटे के लिए कि कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, कई जिलों में बारिश हो सकती है, छिटपुट बारिश जिसे हम कहते हैं, गर्ज के साथ वज्रपात, बिजली गिरना, ये सारी संभावनाएं बनी हुई थी। बीते रात हमने देखा राजधानी रायपुर में काफी तेज बारिश हुई, रात भर अंधेर चली है और अभी भी जो सुबह का मौसम था वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं बादलों से ढका हुआ था, लेकिन अभी जो है रायपुर राजधानी में मौसम बिल्कुल साफ है। छत्तीसगढ़ की अगर पूरी छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो कई जिलों में देखा जा सकता है कि आज जो है मौसम का मिजाज थोड़ा सा ठीक रहने वाला है, ना ही बारिश होने वाली, ना ही तेज धूप निकलने वाली। तो ये जो मौसम है काफी ज्यादा आज तक सुहाना रहने वाला है और लोगों को आज के दिन काफी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल करिश्मा, कहीं ना कहीं जो मौसम है वो साफ है और सुहाना भी रहने वाला है कुछ जिलों में। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जो किसानों की चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और अब देखने वाली बात हो कि सरकार किस तरह से किसानों तक मदद पहुंचाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी से जो नमी आ रही है उसके चलते मौसम में बदलाव लगातार देखा जा रहा है। कल देखा था हमने किस तरह से रायपुर में और कुछ जिलों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई थी और आज भी ये कयास लगाया जा रहा है, मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है कि कई जिलों में आज भी बूंदाबांदी हो सकती है और कई इलाकों में आज मौसम साफ रह सकता है।